पर स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस की कार्रवाई दमनकारी है, उन्होंने कहा है। निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है, उन्होंने कहा। पुलिस वाले महिलाओं पर भी अत्याचार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने बड़ा बयान दिया है, पुलिस की कार्रवाई को अवैध बता रहे हैं। चौरसिया कहा है कि पुलिस की जो कार्रवाई है दमनकारी है, निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है, पुलिस वाले महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया का अतिक्रमणकारियों को कहीं ना कहीं समर्थन मिल गया है, और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको संजीव चौरसिया दमनकारी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है, महिलाओं को यहां पर उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। ये बड़ा बयान आया है बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया की तरफ से, जो स्थानीय विधायक हैं, इस इलाके के विधायक हैं, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ कार्रवाई है तो दूसरी तरफ जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं सियासत में कूद पड़े हैं। अब स्थानीय विधायक ये कह रहे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो दमनकारी है, और बिना जिलाधिकारी सुने हुए और इस प्रकार के दमनकारी रवैये को अपनाते हुए वहां हजारों की संख्या में सैन्य बल को भेजना, आंसू गैस निहत्थे महिलाओं पर चलाना, लाठियां बरसाना, यह दमनकारी रवैया जो अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अगर इस प्रकार की कोई घटना घटेगी मैं पहले खड़ा रहूंगा, पर दुख है कि मैं वहां नहीं हूं। मैं हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हूं, कोई जानकारी भी नहीं थी। रात में इस प्रकार से जाकर जैसे लगता है कि कितना बड़ा बवाल हो रहा है वहां पे और उकसाने का काम हो रहा है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो वहाँ पर लोग आग बबूला हो गए, पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी और सिलेंडर को आग के हवाले करके लगातार डराने की कोशिश क्रमणकारी है।